फोर कलर्स प्ले हाउस। एक गांव में कुशाल दास नाम का एक फैमिली प्लानिंग अधिकारी रहता था। कुशाल दास की अरुणिता नाम की पत्नी, विक्की, विजय, निक्की, नीरजा नाम के दो लड़के और दो लड़कियां थी। उन चारों बच्चों की कभी एक बात पर नहीं बनती थी। एक एक को अलग अलग प्रकार की पसंद और आदतें थी। एक सुबह विक्की, माँ आज मुझे मैगी चाहिए, यूं कहा। तब विजय, मुझे मैगी नहीं, वो तो कीड़े जैसे होते हैं, मुझे तो छोले भटूरे चाहिए, यूं कहा। निक्की, मैगी छोले भटूरे दोनों खराब होते हैं, मुझे ढोकला चाहिए माँ, यूं बोली। तब नीरजा, छी छी तुम लोगों का चीप टेस्ट है, माँ मुझे अमेरिकन ब्रेकफास्ट चाहिए, यानी स्क्रैम्बल्ड एग्स ब्रेड टोस्ट विद सैलेड चाहिए, यूं बोली। अरुणिता, हे भगवान, एक एक को एक एक देश में पैदा होना चाहिए था, सब मेरे पेट से पैदा हुए होना रे, अब इन्हें सेटिस्फाई करना हो तो घर को मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में बदलना होगा, कैसे संभालेंगे जी इन्हें। कुशाल, मैं पक्का प्लानिंग के साथ ही तुम्हारे मना करने के बाद भी ये चार बच्चों को पैदा किया। हमारे देश में अलग अलग किस्म के लोग हैं, इतने भेदभाव होने के बाद भी एक ही परिवार के जैसे मिलजुल कर रहते हैं ना, हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं, अनेकता में एकता यही है, यूं कहा। अरुणिता सर पकड़ ली। एक दिन जो स्कूल में वो बच्चे पढ़ते थे उनका हेडमास्टर श्रेया जी पेरेंट मीटिंग रखा। वो बच्चों के माँ बाप से बात करते हुए, माय डियर पेरेंट्स, खुशी की बात यह है कि आप सबके बच्चे पढ़ाई तो अच्छे से कर रहे हैं, वैसे भी खेल कूद में भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, इससे मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आपके बच्चे कला में बिल्कुल भाग नहीं ले रहे हैं। आजकल मैं संगीत मास्टर को बुलवाए, वो वायलिन बजा रहे थे तो ये लोग वायलेंट हो गए, सितार बजा रहे तो ये सीटी बजा रहे हैं, कर्नाटक संगीत बजा रहे तो ये खर्राटे मारकर सो रहे थे, ऐसी हरकतें अच्छी नहीं है। कला में भाग लेने से रचनात्मकता बढ़ती है, तभी वो इस आधुनिक युग में आगे बढ़ पाएंगे, यूं कहा कुशाल दास। आपकी परेशानी हम समझ गए मास्टर जी, अब क्या करें आप ही बताइए। श्रेया जी, उसके लिए मैंने एक उपाय निकाला है, आजकल शहर के प्ले हाउस को खूब पसंद कर रहे हैं, यानी छोटे छोटे खेलने वाले घर, उन प्ले हाउस में अपने मन पसंद वस्तुओं को अपने मन पसंद तरीकों से जमाते हैं, उसकी वजह से खुशी के साथ साथ वे होशियार भी बनते हैं। इसलिए आपके बच्चों को प्ले हाउस चैलेंज देने की सोच रहा हूं। जो भी खुद से एक खूबसूरत प्ले हाउस बनाएंगे उन्हें विद्या शाखा मंत्री से इनाम मिलेगा, यूं कहा। आपने जो कहा वो सही है, लेकिन एक एक घर में तीन चार बच्चे हो तो इतने सारे प्ले हाउस बनाने के लिए बहुत खर्चा होगा ना, हमारे घर में ही चार बच्चे हैं, यूं कहा श्रेया जी। इसलिए एक घर से एक प्ले हाउस बनाए जाए तो काफी है, यूं कहा। ये बात कुशाल दास अपने चारों बच्चों को बताया। तब निक्की, वाओ डैडी, तो फिर हम पिंक कलर प्ले हाउस बनाएंगे। विक्की, ची ची, पिंक यानी लड़कियों का कलर होता है, मुझे नहीं चाहिए, हम ब्लू कलर का प्ले हाउस बनाएंगे, उसमें सारे ब्लू कलर की चीजें रखेंगे। नीरजा, ब्लू बहुत गंदा होता है, ग्रीन तो कूल प्लेजेंट होता है। विजय, तुम लोगों में टेस्ट ही नहीं है, येलो कलर का प्ले हाउस हुआ तो ब्राइट रॉयल होता है, यूं कहा। कुशाल को एक उपाय सूझा। ठीक है बच्चों, आपके प्ले हाउस में चार रूम बनाओ, एक एक अपने अपने रूम को अपने मन पसंद कलर में बनाओ, अपने पसंदीदा वस्तु को अपने रूम में जमाओ, यूं कहा। इस तरह वे लोगों ने बड़ा सा प्ले हाउस बनाया, उसमें निक्की पिंक कलर का रूम बनाई, अपने मन पसंद चीजों को उसमें डालकर एंजॉय करने लगी। विक्की ब्लू कलर का रूम बनाकर उसमें पानी की हंडिया लगाया, उसमें खेलने लगा। नीरजा ग्रीन कलर रूम में सोफा का इंतजाम करके उसमें कॉमिक्स पढ़ने लगी। विजय येलो रूम में खिलौनों के साथ खेलने लगा। उस प्ले हाउस को देखकर हेडमास्टर श्रेया जी दंग रह गया। इतना कलरफुल और यूजफुल प्ले हाउस मैंने जिंदगी में नहीं देखा है सर, फर्स्ट प्राइज जरूर आपके बच्चों को ही मिलेगा, यूं कहा। कुशाल बहुत खुश हुआ। तब कुशाल अपने पत्नी से, कहा ना अनेकता में एकता यही है, चार चाइनीज को एक ही रूम में डालने से चारों मिलकर एक ही विषय पर सोचते हैं, यूं सुना है, हम लोग चार अलग अलग तरीकों से सोचकर चार आविष्कार करते हैं, हमारे बच्चे भी वैसे ही हैं, यूं कहा। वो सुनकर बहुत खुश हुई। इस तरह वे चार बच्चे उस प्ले हाउस में खेलकर उसी में पढ़ाई भी करने लगे।